आपने पाकिस्तान में तो आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और फिर सऊदी आ गए यहाँ पर काम, तो क्या यानी वो किस तरह से सऊदी रवाना कैसे हुआ, क्या वो नुक्ता था जहाँ से आप यहाँ पर तशरीफ लाए? मैंने जब अपनी तालीम हासिल की तो उसके बाद फिर लोकली जॉब की और जॉब करते करते कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई सऊदी अरेबिया में, तो बड़ी अच्छी ऑफ़र हुई तो फिर मैं सऊदी अरब आ गया। और यहाँ आके जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बना कि उस कॉन्फिडेंस में आके फिर मुझे फील हुआ कि मुझे अपना बिज़नेस करना चाहिए, तो फिर मैंने जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस का स्टार्ट कर दिया। तो कितनी देर जॉब की और क्या जॉब थी? मैं एक यहाँ पे प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उसमें एज ए प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजर आया था, वहाँ पे मैंने 3 साल जॉब की थी। तो 3 साल जॉब करके फिर मैंने वो छोड़ दी, मैं पाकिस्तान वापस चला गया, फिर वहाँ से मैं प्रिपेयर होके आया यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए। तो फिर सरमाया वगैरह साथ लेके आए यानी जो ज़रूरी? हाँ जी, सरमाया जो यहाँ से कोई सैलरीज़ की शक्ल में, बेनिफिट की शक्ल में इकट्ठा हुआ, फिर पाकिस्तान से सरमाया इकट्ठा किया और फिर वो वहाँ से हमने इधर लीगली ट्रांसफ़र करके यहाँ अपना लाइसेंस ले लिया। तो यानी ये वहाँ पर बहुत से लोग पढ़ते हैं, इधर भी आके लोग जॉब करते हैं, फिर इतना ज़्यादा बिजनेस में आना, फिर आगे बढ़ना और ये पूरी कामयाबी की शक्ल बनना, क्या समझते हैं क्या आपके पीछे क्या ऐसा मुख्तलिफ था या आपके अंदर क्या ऐसी सलाहियत थी? सलाहियत तो मैं नहीं समझता कि मुझ में कोई ख़ास बात है, इसमें मेरी वालदैन की बड़ी दुआएं थी। बाकी अगर मैं कहूं कि मैंने बड़ी हार्ड वर्किंग की तो खाली हार्ड वर्किंग भी वो कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाती। हार्ड वर्किंग तो एक मज़दूर भी बड़ी मेहनत करता है लेकिन वो मज़दूर ही रहता है। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं कामयाबी में, माँ बाप की दुआएं हैं, हार्ड वर्किंग भी है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें कुछ सिला रहमियाँ होती हैं, कुछ बंदा कुछ अपने बहन भाइयों को दोस्तों को साथ लेके चलता है, उनकी किस्मतें जुड़ जाती हैं साथ में। तो जो ख़ास तौर पे वो अल्लाह ने आपको चुन लिया होता है, तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया इस कामयाबी में, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा बहुत बड़ा किरदार है इसमें। तो ये जो बिज़नेस आपने शुरू किया ये क्या और इसका अब ये नेटवर्क कितना वसी है? मेरा बिज़नेस है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, इसमें हम हर तरह की इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं हर सेक्टर में, उसमें एयरपोर्ट्स भी हैं, उसमें पैकेजिंग इंडस्ट्री भी है, उसमें फूड इंडस्ट्री भी है, ऑयल एंड गैस भी है, तो हर तरह के प्लांट की हम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें मुकम्मल तौर पे हम A to Z यानी टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग भी करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, कमीशन करके रेडी करके प्लांट हम हैंड ओवर करते हैं। और इसका एरिया हमने सारे सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह फैला हुआ, तो सऊदी अरब के तकरीबन 8 एयरपोर्ट्स पे हमने जेट फ्यूल के ये जो स्टोरेज टर्मिनल्स बनाए हैं। अच्छा, इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री अभी हमने जबेल में लगाई है, हैचरीज बनाई हैं, सरामिक के प्लांट लगाए हैं दमाम में। तो अभी तो आपका और भी प्लान था, बता रहे थे कि मज़ीद प्लांट्स लगाने का इस तरह से? अभी हमारे इस वक्त हम बेसिकली जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसकी उसने वहीं चले जाना जहाँ जिस तरह का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हमें अब मिल रहे हैं न्योम वाली साइड पे जी, न्योम सिटी पे, तो अब हम न्योम में भी मूव कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी एक नई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बनी है, हमारे पास एक्सपर्टाइज थी नेचुरल गैस की पाइपलाइन इंस्टॉलेशन की, तो सऊदी गवर्नमेंट ने अभी सब इंडस्ट्रीज़ को ये ऑर्डर जारी कर दिए कि आपने कोई भी डीजल यूज़ नहीं करेगा तो वो गैस पे आएंगे, तो इसलिए अब गैस का जो नेटवर्क है वो अब सारे इंडस्ट्रियल सिटी में सऊदी गवर्नमेंट वो उसको फैला रही है, तो उसके भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो अभी हम तकरीबन 7 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो दमाम में मैं नेचुरल गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। आपने पत्तों की कि आप रहने वाले साहिवाल से, वहाँ से आपने पहले डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, इंजीनियरिंग वहाँ से की, यूनिवर्सिटी ऑफ
इंजीनियरिंग से, तो ये सब आप पढ़ते हुए सोच रहे थे कि किसी दिन आप बिज़नेस की तरफ जाएंगे और इतना वसी बिज़नेस होगा? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त तो ये सोच नहीं थी। यानी उस वक्त क्या सोच था कि क्या करेंगे आप? उस वक्त सोच यही थी कि किसी अच्छे इदारे में जॉब करूँगा। लेकिन जब मैं आया, फील्ड में आया, अच्छे अच्छे इदारों में काम किया, वहाँ पे अपनी जब सलाहियतें देखी तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया। तो जब जो मेरी असाइनमेंट्स थी उसके परफेक्ट रिजल्ट आते थे, उसने फिर मेरे अंदर सोच पैदा की कि बिज़नेस अपना करना चाहिए। तो एक वक्त तो ऐसा भी आया कि आपको एयरफोर्स की जॉब की ऑफ़र हो गई, यानी आप बिल्कुल मुकम्मल उसके लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? ऑफ़र ही नहीं, मुझे तो अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था पाकिस्तान एयरफोर्स से, और उन्होंने, लेकिन ये बात बहुत शुरू की है जब मैंने अभी इंजीनियरिंग की थी, 97 की बात है। तो उस वक्त तो ज़्यादा चाम होता है इस तरह की। हाँ जी, तो लेकिन मैंने फिर जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि एयरफोर्स में एक स्पेसिफिक फील्ड थी और मैं मल्टीपल फील्ड में अपने आप को ज़रा जाना चाह रहा था। तो अब आपके यहाँ पे जो सारा सिलसिला है, इसमें कितने आपके पास लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 500 की स्ट्रेंथ है। एक बात मैं थोड़ी वाजे कर देता हूँ कि सऊदी अरब में एम्प्लॉज़ जो फॉरेन एम्प्लॉज़ रखना ज़रा डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे कामा और वीज़ा चार्जेस, वीज़ा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो 500 एम्प्लॉज़ के जो वीज़ा एक्सपेंसेस मिलियंस ऑफ रियाल्स में बन जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एम्प्लॉज़ हैं वो तो 500 है, और उसके बाद फिर हम लोकली जो है ना वो हायरिंग करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं। तो जब हमारे पास ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो 1000 से भी ज़्यादा हम एक्सीड कर जाते हैं मैन पावर। लेकिन ये आप प्रेफर इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको लोकली लोगों को हायर करना पड़ता है? जी, तो लोकली भी हायर करना पड़ता है। फिर ये है कि जब ऑल ऑफ सडन नीड एक आ जाती है, ज़रूरत होती है मैन पावर की, फिर हम लोकली लेते हैं। अब आम तौर पे अपने साथ जिन लोगों को आप रखते हैं हायरिंग करते हुए, तो उनमें क्या देखते हैं आप? लोगों की सलाहियत देखते हैं, कुछ करने का जज्बा, तालीम, क्या कौन से फैक्टर्स हैं? जब हम इंटरव्यू करते हैं तो उसमें उसके हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ परसेंटेज की शक्ल में, 100% है तो 10% इसका, 20% इसका, 30% इसका। उसमें टेक्निकल स्किल्स को हम लोग 40% देते हैं, लेकिन उसमें जो 60% हम देखते हैं बंदे का एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड और उसका आईक्यू, उसका जनरल नॉलेज कैसा, उसको ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि स्किल से ज़्यादा एटीट्यूड जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी होता है, और वो एटीट्यूड समटाइम आपकी कमियों को भी कवर कर देता है। तो आप उसको प्रेफर कर रहे होते हैं? हाँ जी, उसको हम एटीट्यूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और माशाल्लाह मेरे साथ जो मेरे कुलीग हैं, मेरे साथी हैं, वो 17 साल से 18 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। बहुत कम एम्प्लॉई हैं जो हमें छोड़ के जाते हैं। तो आप 98 में यहाँ पर आए सऊदी अरब में? 98 में जब मैं आया था तो उस वक्त मैं यहाँ पे जॉब करने आया था, बिजनेस मैंने 2004 में स्टार्ट किया यहाँ। तो वो लम्हा कब आया, यानी जब आपने सोचा कि मैंने बिज़नेस करना है? जॉब करते वक्त कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ, कोई बात ऐसी सोची, कोई लम्हा ऐसा आया? दो पॉइंट इसमें थे। एक तो ये, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब प्रोजेक्ट मेरे पास आते थे उसको हम प्लान करते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे, मॉनिटर करते थे, तो उसके जब रिज़ल्ट आते थे बड़े परफेक्ट आते थे, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। फिर देखा कि कंपनी माशाल्लाह अच्छा, कंपनियां वो उसमें से कमा रही हैं, प्रॉफिट गेन कर रही हैं, तो हमारे काम करने की वजह से, तो फिर एक शौक पैदा हुआ कि यार यही काम अगर हम खुद के लिए करें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है रादर देन गेटिंग सैलरीज। तो इसके अलावा फिर जब मैं पाकिस्तान जॉब करता था तो वहाँ पे मेरे उस्ताद थे आज़म भट्टी साहब। अच्छा, उन्होंने मुझे ये सारी स्किल्स सिखाई, सारा कुछ उन्होंने बताया।
तो उनकी मोरल सपोर्ट भी बढ़ी रही, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि तुम्हें बिज़नेस में आना चाहिए। तो उनका जो पुश था उसने फिर मुझे इस फील्ड में ले आया। मैंने आके अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा, और उस वक़्त सऊदी गवर्नमेंट ने ये जो लाइसेंसिंग फैसिलिटी दे दी थी, तो उस वक्त फिर हमने अपना ही लाइसेंस ले लिया 2005। तो अब तो पूरे सऊदी अरब में आपका नेटवर्क है, पाकिस्तान में भी कारोबार है, आप किस चीज़ को ज़्यादा अहम समझते हैं? दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, आपके सबसे पहले किसे देते हैं आप, तरजीह किसे देंगे? इसमें मेरा तो ख्याल है कि इज़्ज़त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो भी अगर लोग दिल से करें तो वो ज़्यादा अहम है। दौलत और शोहरत ये आर्जी चीज़ें हैं, और इज़्ज़त अगर आपकी ताज़ ज़िंदगी कायम रहे तो वो बंदा जो है ना, वो जिसकी इज़्ज़त है इसलिए कि उसके लिए दुआएं भी होंगी ज़रूर, अगर कोई दिल से इज़्ज़त करता है तो। अगर वो इस दुनिया से रुखसत भी हो जाता है तो उसके लिए वो जो दुआएं हैं ना, वो बड़ा फ़ायदा मंद होती हैं, आखरत के लिए भी फ़ायदा। तो मेरे ख्याल में इज़्ज़त ज़्यादा अहम है दौलत और शोहरत की बजाय। तो आपने जब ये सारा सफ़र आपका चल रहा था, अब तो इतने साल गुजर गए, तो मुश्किलात आपको क्या आई, और आई तो उसको क्या सोचा? अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है जी, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं आई जो इस सारे बिज़नेस के सफ़र में। कुछ चैलेंजेस आए थे शुरू में, तो उन जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट साइन कर लिया, लेकिन उसको करने के लिए मेरे पास पूरा सरमाया नहीं था। ठीक है, तो मैं साइन करके आ गया, तो जब मैंने उसके लिए मटेरियल ख़रीदने के लिए गया, तो ऑल ऑफ सडन मटेरियल में 40% रेट नीचे गिर गए। जो मैंने अपने बजट में 100% रखा था, तो वो मुझे 60% में मिल गया, तो मुझे मिलियंस ऑफ रियाल का वहीं पे फ़ायदा हो गया। तो ये क्या है, अल्लाह की तरफ से गायबी मदद आ गई मुझे। आप तैयार नहीं थे, लेकिन वो काम इतना अच्छा हो गया तो मैंने फिर उससे क्या किया कि जो मटेरियल सप्लायर्स थे उनसे हमने ज़्यादा अरसे के लिए क्रेडिट मांग लिया, और जो हमारे क्लाइंट थे उनसे, उनको हमने कहा कि हमें जल्दी पैसा चाहिए। तो जब हमें क्लाइंट से जल्दी पैसा मिल जाता था, सप्लायर को हमने बाद में देना होता था, तो वो पैसा फिर हम अपने बिज़नेस में भी रोल कर लेते। तो इस तरह की जो चीज़ें थी ना, वो अल्लाह की तरफ से भी बड़ी गायबी इमदाद आई है इसमें। तो बाज़ दफ़ा तो अक्सर मेरे जो वर्कर्स हैं या जो मेरा स्टाफ है, वो भी कहते हैं कि हम खुद देखते हैं कि जो काम हम जब फैक्ट्रियां जब इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करना होता है, वो 200 टन की कैपेसिटी की क्रेन से होता है ना, तो वो हम लोग 80 टन की क्रेन से कर जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो इस तरह की अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा गायबी, कुदरत आपको हेल्प, कुदरत ने बड़ी हेल्प की, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ही है। तो अगर आप पीछे जाएं, सोचें कि पाकिस्तान में अगर आप हो, तो क्या आपको लगता है कि इतना ही आप अच्छा कारोबार कर पाएँ? थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर माहौल है बिज़नेस का ज़्यादा, या वहाँ पर किस तरह से देखते हैं इसे? ये किस्मत है, लिखा था तो यहीं पर आना था। यहाँ पर देखें, जैसे जहाँ कुदरत की तरफ से मदद है, वहाँ पर यहाँ का जो निज़ाम हुकूमत है, जो यहाँ का सिस्टम है, वो भी बड़ा सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि नए आने वालों के लिए कोई बहुत अच्छा चांस नहीं है कामयाबी का। वैसे तो कामयाबी वहाँ पे भी बड़े लोग कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन नए आने वालों के लिए ज़रा मुश्किल हैं वहाँ। उन मुश्किल को ओवरकम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम आप? पाकिस्तानियों के लिए मेरा यही पैगाम है कि हमें जो सही बंदे हैं, जो सही सियासी पार्टियाँ हैं उनका, और सही अपने जो नुमाइंदे उनका इंतखाब करना चाहिए, ताकि वो ऊपर जाके कुछ परफॉर्म कर सकें, और आपके लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकें। और वो अपॉर्चुनिटी वही हैं जो पहले बताई हैं कि हमें स्टेबिलिटी लानी है पूरी हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
अभी तो कभी कभी मायूसी होना शुरू हो जाती है कि आज भी अगर हम शुरू हों तो हमें 10 से 15 साल लग जाएंगे स्टेबल होते, लेकिन अभी तो हमने आगाज़ ही नहीं किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप भी तशरीफ़ लाए।